नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक खास मुलाकात करेंगे, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं फरहत हसन साहब, जो मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते हैं और हिंदुस्तान के जाने माने मिडिवल हिस्टोरियंस में से एक हैं। हम बातचीत करेंगे अभी हाल में स्कूली बच्चों के लिए जो टेक्स्ट बुक्स में जो फेरबदल हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी थोड़ी भूमिका ये है कि पिछले साल अप्रैल में हमारे यहाँ जो CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो तय करता है और एग्जाम्स कंडक्ट करता है देश भर में, वो अपना करिकुलम उन्होंने एक नया रिलीज किया, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें उन्होंने बोला कि कई सारे चैप्टर्स को हटाया जाए। NCERT को वक्त लग गया अपने टेक्स्ट बुक को नए तरह से रिलीज करने के लिए। अभी जाके हाल में रिलीज हुए तो हमने देखा कि कई सारे चैप्टर्स उसमें से मिसिंग है, जैसे कि मुगल काल के इतिहास के बारे में, पॉलिटिकल साइंस में गांधी जी के हत्या रिलेटेड कई सारे चीजें डिलीटेड हैं, 2002 गुजरात दंगों के बारे में नहीं लिखा गया है, जो किताब में था पहले उसको हटा दिया गया है। तो हम इन तमाम चीजों के बारे में फरहत साहब से बात करेंगे। तो फरहत जी, आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने जो भूमिका दी कि मतलब पिछले साल CBSE ने यह तय किया और इस साल जाके NCERT को, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, उनको काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, तुरंत एक्ट नहीं कर पाते, तो 2023-24 के एकेडमिक ईयर से टेक्स्ट बुक्स भी नई हो गई हैं। तो ये जो चैप्टर्स को हम इंडिविजुअल चैप्टर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस तरह के चैप्टर्स हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से हटाए गए हैं, जिसके बारे में आपने अखबारों में पढ़ा है, उससे हम क्या समझ सकते हैं कि किस तरह का इतिहास और किस तरह का राजनीति शास्त्र वो चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी के जो बच्चे हैं जब वो नागरिक बने तो वो किस ज्ञान को लेके बढ़े और किस ज्ञान को लेके ना बढ़े। या आई मीन, पहली बात तो बहुत ऑब्वियस है कि जो कुछ हो रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ऑब्वियसली इसका ताल्लुक ना हिस्ट्री से है ना पॉलिटिकल साइंस से है, इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है। मेरा ख्याल ये कि ना ही इसका ताल्लुक एक कोई इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन बहुत नैरो माइंडेड परस्यूट ऑफ सेक्टेरियन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इसके अलावा इसका कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं। एक जो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी होती है उसके दो प्रिंसिपल्स हैं, तो ये कि you try to recover the rich past of India. Right. और जब आप इंडिया की richness को explore करते हैं, which is what historians do, which is what political scientists seek to do, उसमें आप you don't silence voices, you don't push aside experiences. और अगर आप ये decide करो कि एक ऐसी dynasty जो 400 साल rule करी है इंडिया में, उसको आप बिल्कुल obliterate कर दोगे from historical memory, then obviously आपका कोई concern हिस्ट्री से नहीं है, आपका कंसर्न कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स से है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एजेंडा से, ना ही आपकी कोई एफर्ट ऐसी है कि आप अपनी जो नई जनरेशन है उसमें इंक्वायरी, उसमें एक जस्तजू, एक तलाश करने की जो चेतना होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, उसको बढ़ावा दें। बल्कि आपकी एफर्ट ये है कि एक किस्म का नागरिक निकले जिसके पास ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ आर रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज, ना कोई समझ हो ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस दैट हैव शेप्ड आर कॉन्टेम्प्रेरी प्रेजेंट। तो इसलिए मेरा ख्याल ये कि पहली बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसका संबंध इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी से नहीं है, इसका संबंध एक ऐसा सिटीजन जो सेंसिटिव हो, जो उसके पास अंडरस्टैंडिंग हो, वो क्रिएट करने का नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिटीजन क्रिएट करना है जिसकी कोई समझ ना हो ऑफ आर रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज। दूसरा मेरे समझ में ये भी आ रहा है कि एक एफर्ट ये भी है कि हिस्टोरिकल मेमोरी से वो एक्सपीरियंसेस ऑब्लिटरेट कर दी जाएं जिनमें जिनसे हम इनरिच हुए हैं, जैसे एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग in coexistence, of learning to tolerate difference, yeah.
ये जो कल्चर रही है, जो हमारी कल्चर में स्पेसेस रहे हैं ऑफ इंटरकल्चरल डायलॉग एंड कम्युनिकेशन, उन स्पेसेस को हिस्टोरिकल मेमोरी से ऑब्लिटरेट करना है। तो आप एक ही किस्म का वर्ल्ड व्यू देना चाहते हो जिसमें वायलेंस है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है एंड जिसमें एंटेगोनिज्म है, विच इज वॉट दे बिलीव शुड डिफाइन अस एज द सिटीजन ऑफ टुडे एंड द फ्यूचर जनरेशन। तो इसमें इसमें सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप ना ही इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी को खत्म कर रहे हो, बल्कि आप एक ऐसा सिटीजन क्रिएट कर रहे हो जिसमें जिसमें सिवाय हेट्रेड और वायलेंस और एंटेगोनिज्म के कुछ और परस्यूट्स ऑफ क्रिएटिविटी है ही नहीं। और जो जो सेंसिटिविटी है, जो इंक्वायरी इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी हमें देती है, जो कंपैशन हमें सिखाती है, जो हमारे हमारे कॉन्ट्रडिक्शन से समाज के जो हमें उसकी समझ देती है, वो सब इस जनरेशन की अंडरस्टैंडिंग से आप गायब कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। देखिए, जो जिस तरह की राजनीति आज भारत में डोमिनेंट है, उसमें ऐसा लगता है कि एक खास कम्युनिटी के, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों में एक तरह से एक बिलीफ इंस्टिल की जा रही है कि जिसमें जो आज के हिंदुस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, आज के जो नागरिक हैं, उनको अतीत में इनके हिसाब से जो गलत हुआ उसका बदला लेना चाहिए। तो प्रेजुडिस को डीपन किया जा रहा है और एक तरह से रिवेंज की भावना को बढ़ाया जा रहा है। अक्सर कहा जाता है, मैं खुद मतलब प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, जब शुरू में जब ये राष्ट्रीय स्तर पे अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे थे, तो इनके कई भाषण सुने थे गुजरात में, तो ये एक चीज पे एम्फसाइज करते थे, 1200 साल की गुलामी। बेसिकली पूरा का पूरा जो मध्यकालीन है, जो करीब 8वें-9वें सेंचुरी से शुरू होता है, तब से लेके अब तक की वो गुलामी बोलते हैं प्री ब्रिटिश पीरियड में, कि वो मुसलमान राजा थे और आके डोमिनेट करते थे। एक चीज आप मिडिवल इंडिया के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, हिंदुस्तान में इस्लाम का जो प्रेजेंस है, ये सिर्फ हमारे भाई रूट ऑफ इन्वेजन से नहीं आया था, नहीं। जो संघ परिवार के लोगों से के द्वारा बताया जाता है, जो 1200 साल की गुलामी का जो नैरेटिव है, बल्कि सबसे पहले हमको दिखता है कि दक्षिण भारत में सी रूट से आया था, और वहां एक अलग किस्म का इस्लाम पनपा है और अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो उत्तर भारत के इस्लाम से और उत्तर भारत में जो इस्लाम और हिंदुइज्म में जो कॉन्फ्लिक्ट पेश किया जाता है उससे बिल्कुल अलग है। तो मेरे दिमाग में एक चीज उभर के आती है कि संघ परिवार अक्सर भारत वर्ष की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उनकी भारत की अवधारणा मूलतः नॉर्थ इंडियन या वेस्टर्न इंडियन है? नहीं, आई मीन ऑब्वियसली इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, जो मुस्लिम प्रेजेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कॉन्क्वेस के जरिए नहीं हुई है, बट थ्रू यू नो थ्रू मर्चेंट कनेक्शंस, थ्रू ट्रेड हुआ है, थ्रू दी कॉन्वर्सेशन बिटवीन इंटेलेक्चुअल्स एंड स्कॉलर्स हुआ है। तो एक बहुत क्रिएटिव, बहुत इंगेजिंग डायलॉग रहा है बिटवीन द इंडिक सिविलाइजेशन एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। और उन्हीं 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 कॉन्वर्सेशंस में, उन्हीं 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 स्पेसेस में वी हैव लर्नड टू एक्सेप्ट डिफरेंस, वी हैव लर्नड टू टॉलरेट डिफरेंस, एंड वी हैव डेवलप्ड स्पेसेस, शेयर्ड स्पेसेस ऑफ इंटरकल्चरल डायलॉग एंड कम्युनिकेशन। दिस इज व्हाट डिफाइंस हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हैज अक्रॉस टाइम एंड स्पेस been a space which has learned to engage with difference. ये किताब है, बहुत मशहूर किताब है मन्नान अहमद आसिफ की, The Loss of Hindustan and the Invention of India. और वो sources को देख के बताते हैं कि the Hindustan that it did exist before colonialism was a Hindustan that was able to integrate differences without those differences causing any sort of conflicts. Which was remarkable. वो उनका कहना ये है कि जब हिंदुस्तान was replaced with India, colonial India, वो spaces खत्म हो गए। So the India that came into existence during the colonial period was an invention, and it's very different from the
टॉलरेंट हिंदुस्तान दैट एग्जिस्टेड बिफोर कॉलोनियलिज्म. अब आप जो कर रहे हो कि when you refuse to discuss the Mughal state and the only memory of the Mughals that you have is about temple destruction, Aurangzeb and Maharana Pratap, तो उन सारी spaces को आप बिल्कुल obliterate करने की कोशिश करते हो from historical memory. तो आप ये भी सोचो कि अब तो बहुत सारी researches आ गई हैं. एक बहुत important argument ये है कि जो Indic resources हैं, जैसे संस्कृत का पेट्रोनेज बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेंस है इन दी अंडर द मुगल स्टेट. हमें ये भी मालूम है कि मुगल्स ने फ्रॉम अकबर डाउन टू औरंगजेब इंक्लूडिंग औरंगजेब एक सिस्टमैटिक नेटवर्क ऑफ पेट्रोनेज प्रोवाइड किया है टू दी वृंदावन एंड मथुरा टेम्पल्स. ये भी अब लोग कह रहे हैं कि मुगल स्टेट की कामयाबी 400 साल दी वर इन इंडिया, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस वॉज अ रिजल्ट ऑफ these alliance of the state with Vaishnav devotional communities. तो आप इन सारी historical experiences को नजरअंदाज करके you focus on a set of events or कहो this is what constitutes the history of Indo-Muslim Muslim Hindu encounters in the pre-colonial period. तो ये इसमें fallacy ये है. दूसरी जो बात है वो यही जो आपने कही कि आप कर क्या रहे हो. आप ना सिर्फ इन स्पेसेस को ऑब्लिटरेट कर रहे हो, आप एक ऐसी सोच क्रिएट कर रहे हो जिसमें एज यू पॉइंटेड आउट कम्युनल एंटागोनिज्म बिकम्स द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, विच इज टोटली एट ऑड्स विद द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ हिंदुस्तान. राइट, आप बता रहे थे अभी संस्कृत की पेट्रोनेज के बारे में बहुत ही सिस्टमिक तरीके से. एक और चीज के बारे में उदाहरण पे बात करते हैं, अक्सर लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, वो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. अगर मिडिवल पीरियड में जिस तरह का पेट्रोनेज मिला कोर्ट द्वारा, मुगलों द्वारा और अलग 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 हर कोर्ट में आपको जाके देखने को मिलता है कि पेट्रोनेज मिलता है. ध्रुपद जो कि एसेंशियली एक डिवोशनल फॉर्म है, उसको भी उस तरह से पेट्रोनाइज किया गया जिसके बारे में अच्छा खासा जो म्यूजिक रिलेटेड जो लोग हिस्ट्री करते हैं उन्होंने बहुत लिखा है उसके बारे में. तो इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि जो कुछ जो कॉमन हेरिटेज था उसको इरेज करके एक सिंगुलर ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, को प्रेजेंट करना चाहते हैं. और ये बोलते हैं कि सब भारत जो है मुसलमानों के आने के पहले एक सोने की चिड़िया थी और हमको उसी काल में वापस जाना है. तो इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड टेकिंग एवरीबॉडी टुगेदर, do you think that this kind of history is going to take everybody behind? Yeah, obviously. I mean, isme to koi abhi koi jo objective dispassionate scholar hai uske samajh mein aa jayega ki it doesn't quite make sense. Lekin as an historian too hame malum hai ki this is not the history of the period. आप अगर मुगल्स को डिलीट करते हो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, यू आर रिमूविंग 400 ईयर्स ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री. आपको ये भी सोचना पड़ेगा जो इंडियन कल्चरल लाइफ आज है, इंडियन डांस फॉर्म्स, इंडियन गजल्स, इंडियन म्यूजिक आर ऑल इंस्पायर्ड बाई द कल्चर दैट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द मुगल पीरियड. तो आप ध्रुपद की कैसे बात कर सकते हो टुडे विदाउट रेफरिंग टू द मुगल्स? आप जो इंडियन डांस फॉर्म्स हैं, कथक वगैरह के बारे में कैसे बात कर सकते हो विदाउट रेफरिंग टू द मुगल्स? तो ये बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है कि आप यू कैन डील विद और यू कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक कल्चरल influences that shape our contemporary identities without making any reference to the Mughal state. Aap hotels mein jaiye and you eat Mughlai dishes and what do you tell the child? Ye Mughals kaun the? We don't know. So hamara ek to isme absurdity hai, dusra ye bhi hai ki jo even after the decline of the Mughal empire jo regional states aur jo states contestatory forms ne emerge kare in the 18th century, including the Marathas, the Sikhs in Punjab, the Jats, and so on and so forth, were all inspired by Mughal administrative forms. Kabhi bhi unhone Mughal administrative institutions se bahar socha hi nahi hai. To aap Marathas ko padhaoge aur unke jo land forms hain unko discuss karoge without referring to the Mughal background. You can't do that. Right.
even it's now argued that the English rule in its early phases in the 18th and 19th century largely borrowed from Mughal infrastructures of administrating institutions. So without Mughals, you can't do the history of the colonial period. You can't write a history of the Marathas, the Sikhs, or the Jats for that matter, and even the history of the colonial state. And so much of our post-independence nation state is actually inspired by the cultural form that had developed in the Mughal period. So, इसलिए ये तो मेरा समझ में आता नहीं है इसका इसका मैं बार बार ये कहता हूँ इसका ताल्लुक हिस्ट्री से नहीं है इसका ताल्लुक सिर्फ राजनीति पॉलिटिकल कंसीडरेशन से है इसलिए भी मेरा ख्याल ये बहुत जरूरी है कि जो सेंसिबल सिटीजन्स हैं इस बात को समझें कि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है इससे एक नए किस्म का माइंडसेट डेवलप हो रहा है जो हमारे लिए हमारे नेशन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है जी तो आपको क्या लगता है कि आप बोले कि जो सेंसिटिव सिटीजन्स हैं उनको एक कंसर्टेड किस्म की एफर्ट करनी चाहिए कि अपने परिवारों में इतिहास बेशक जिस तरह से हमको पढ़ना चाहिए वो स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाए फिर भी परिवारों में वो सिखाया जाना चाहिए उसके बारे में बातचीत होते रहना चाहिए तो मेरे ख्याल से जो आज के जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनमें ये दोहरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि वो सिर्फ उनका जो रेगुलर करिकुलम है उसका भी ना ध्यान दें बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम है उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपके उसमें से उभर के आया और मैं चाहूंगा कि हमारे जो श्रोता हैं जो देख रहे हैं और जो यंग पेरेंट्स हैं वो प्लीज इसको अमल करें इसका दूसरी बात यह कि आप अभी कथक के बारे में आपने जिक्र किया तो मेरी अभी एक कुछ ही दिन पहले एक मित्र हैं जो कथक का परफॉर्मर है तो मैंने उनको कहा कि देखिए कथक पे भी तो अटैक हो सकता है तमाम चीजों पे अटैक हो रहा है तो मान लीजिए कथक को बैन कर दिया गया और बोला गया कि अब से जो है सिर्फ भरतनाट्यम या फिर कोई ऐसा होगा जो टेम्पल फॉर्म है तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो लेकिन एक तरह से कोर्ट डांस बोला जाता है कथक को क्योंकि वहां से उभर के आया लेकिन वहां पे भी तो लार्ज जो थीम्स है वो भी उसमें भी तो धर्म किसे ही जुड़े हुए थीम्स पे हम लोग नृत्य करते हैं तो ये एक विडंबना है कि हम लोग हटा देना चाहते हैं मैं मतलब इसका जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे एक्सचेंज काफी अच्छा लगा पिछले साल अप्रैल में जब CBSE ने चेंजेस किए थे तो मेरे एक मित्र ने मुझे कहा था कि भाई हम लोगों को शायद जरूरत ना हो लेकिन कम से कम अपने पर्सनल लाइब्रेरी के लिए NCERT के किताबें आप रख लो कि आने वाले दिनों में पता नहीं आपके नहीं मिलेंगे तो उनको मिलेगा तो मैंने कई सारे किताबें रखी हैं सब तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन ये मैं आपको जरूर दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने एक मार्कर भी लगा रखा है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 ये 12वीं क्लास का की टेक्स्ट बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर है चैप्टर का नाम है थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर परसेप्शन ऑफ सोसाइटी जितना कि हम समझ पाते हैं कि ये चैप्टर अभी भी टेक्स्ट बुक में है तो सही लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता है हाँ। ये आउटसाइड कोर्स बोल दिया जाता है तो चूंकि ये आउटसाइड कोर्स है तो मुझे ये समझाइए कि थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स फ्रॉम द 10th टू द 17th सेंचुरी ये टेक्स्ट बुक में क्यों रखी गई थी और इसकी महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंस क्या है हाँ हमारा देखिए दो आइडियाज थे एक तो ये हम देखना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान को और इंडियन कल्चर को बाहर की वर्ल्ड ने कैसे कंसीव किया और जब ये लोग इंडिया विजिट कर रहे थे तो व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस लाइक उन्होंने किस तरह जो हमें बहुत हैरान करने वाली बात लगी वो ये लगी कि देयर इज नॉट ओनली ह्यूज इंटरेस्ट बट आल्सो ह्यूज इंस्पिरेशन दैट दे डिराइव फ्रॉम द इंडियन कल्चर तो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया कि इन चैप्टर्स को क्यों ना पढ़ाया जाए बच्चों को लेकिन मुझे और भी समझ में नहीं आया कि थोड़े राइट विंग ट्रोल्स ने नेट पे भी एक मेरे खिलाफ एक पड़ा हुआ है वीडियो एक यूट्यूब तो उसमें उन्हें ऑब्जेक्शन बर्नियर पे नहीं है उन्हें ऑब्जेक्शन अल्बेरूनी पे है ना अल्बेरूनी वो है जिसने इतना इंटरेस्ट दिखाया है इंडियन कल्चर को समझने का ब्राह्मणिकल रिलीजन को समझने का पंडित से इंटरेक्ट करना संस्कृत सीखना और ही डेवलप्स फॉर द फर्स्ट टाइम ए फ्रेमवर्क ऑफ डूइंग कंपैरेटिव रिलीजन इस्लाम को ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म से देखना समझना कंपेयर करना आपको
अल्बेनो उबनी भी एक्सेप्टेबल नहीं है. समवन हु हैड सच अ ड्यूप यू नो रेवरेंस अप्रिसिएशन फॉर इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस एंड फिलोसॉफिकल थॉट. तो अब आप ये सोच लीजिए कि हम किस सोच पे आ गए हैं, जब हम क्या चाह रहे हैं. हम कोई डायलॉग, कोई कम्युनिकेशन की स्पेस को टॉलरेट करने को तैयार नहीं है. हम ये भी नहीं देखना चाहते हैं कि लोग हमारे कल्चर को समझने की कोशिश करें, उसमें अंदर जाएं. हम तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टेड हैं, बस. हम तो सिर्फ एंटागोनिज्म को आर्ग्यू कर रहे हैं. तो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया कि ये जो मुझ पर अटैक हुआ फॉर व्हाट आई रोट इन अल-बिरूनी, फॉर व्हाट आई रोट इन बन बतूता. लेकिन और उसमें भी बहुत सरप्राइजिंग था कि जो इन तीनों ट्रैवलर्स में जो सबसे क्रिटिकल है इंडियन कल्चर के बारे में, वो बर्नियर है. बर्नियर इज एक्सेप्टेबल बट नॉट अल-बिरूनी, क्योंकि वो शायद मतलब उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसमें उनको परेशानी नहीं होती. दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन. तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि इस पूरे, सिर्फ हम इतिहास पे बात किए लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी कई सारी चीजों को नहीं पढ़ाया जा रहा है. जैसे एक चैप्टर हटा दिया गया है, वो है वन पार्टी डोमिनेंस. वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब तो हटाने का मेन कारण ये कि जो हिंदुस्तान के अतीत में हुआ, इमरजेंसी के दौरान जो हुआ, तो लोग तो बोलते ही हैं कि मतलब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि एक को पूछा गया था जब 2014 में के बाद जब इसका 1984 का एनिवर्सरी हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि फ्यूचर में नाम से तो नहीं आएगा लेकिन पता नहीं, इट मे कम इन सम अदर वे ऑल्सो. So, बहुत लोगों का मानना है कि there is a kind of an emergency which is different from the emergency between 1975 and 1977. लेकिन जिस तरह के you know, repressive laws आ रहे हैं, उससे definitely पता चलता है कि जो fundamental rights enshrined हैं और जो basic जो constitutional principles हैं, उसको किसी ना किसी तरह से curb और control करने की कोशिश हो रही है. हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद फरद जी. लास्ट में चलते चलते मेरे को ये कहना कि अक्सर देखा जाता है कि जो पॉपुलिस्ट सरकारें होती है वो इतिहास को अपना गुलाम बना लेती है, तो शायद यही दौर देखने को मिल रहा है हमको कि दैट हिस्ट्री इज बीइंग मेड द स्लेव ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिम एंड द स्लेव इज बीइंग आस्क्ड टू डू जो मालिक चाहता है. अनफॉर्चुनेटली इतिहास और पॉलिटिकल साइंस एक इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनको एक सब्जेक्ट, एक विषय के तौर पे नहीं पेश करके लेकिन एक गुलाम के तौर पर पेश किया जा रहा है. हमारा कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.